तो दोस्तों आज का जो रिव्यू है अबाउट दिस प्रोडक्ट, दिस इज मामा अर्थ C3 मास्क। ये जो मास्क है करीबन एक महीने से मैं ट्राई कर रही हूँ एंड आई एम काइंड ऑफ लविंग इट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर किया जाए कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, इसका फ़ायदा क्या है, क्या है ये मास्क। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स फर्स्ट सी अबाउट द पैकेजिंग। सो पहले ये है जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग और उसके अंदर है एक्चुअल प्रोडक्ट। सो दिस इज़ द कंटेनर, दिस इज़ द फुल मास्क। तो ये है 100 ml प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट है इसके अंदर और क्वांटिटी में आपको बहुत ही कम चाहिए आपके फेस में लगाने के लिए। तो अगर आप ये एक मास्क खरीदोगे तो करीबन 6 months तो आराम से चल जाएगा आपका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो ये है 100 ml प्रोडक्ट और इसका जो प्राइस है ₹599। अब हम बात करते हैं क्या है ये मास्क। तो ये है एक्चुअली C3 मास्क, मतलब 3 C's है। फर्स्ट वन इज़ चारकोल, सेकेंड वन इज़ कॉफ़ी एंड द थर्ड वन इज़ क्ले। चारकोल, कॉफ़ी एंड क्ले, ये जो 3 C है दे आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस मास्क। और क्योंकि इसमें चारकोल है तो ज़रा सी बात है कि इसका जो कलर है ये ऐसा ब्लैक कलर का होता है और हम सबको पता है कि चारकोल हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। इट हेल्प्स टू टेक आउट ऑल द डर्ट और स्किन के अंदर जितना भी डर्ट है, जितना भी गंक है उसको सक करने में, उसको निकालने में हेल्प करता है। उसके साथ कॉफ़ी और क्ले भी है। क्ले आर ऑल्सो सिमिलरली गुड फॉर आवर स्किन pH बैलेंस और हमारा स्किन का जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको भी निकालने में हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात ये प्रोडक्ट का ये है कि दे आर SLS फ्री, पैराबिन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड हाइपोएलर्जेनिक। और इसका जो स्मेल है बहुत ही नेचुरल स्मेल है। चारकोल और क्ले का जो प्योर स्मेल होता है ना, वो स्मेल आपको महसूस होगा इसमें। और इसका जो कंसिस्टेंसी है काइंड ऑफ थिक कंसिस्टेंसी है, तो बहुत बहुत ही थिक भी नहीं है क्योंकि ये अप्लाई करने में उतना परेशानी भी नहीं होता है। तो मास्क का जनरली जो कंसिस्टेंसी होता है तो वैसा वाला कंसिस्टेंसी है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि हाउ टू अप्लाई दिस फेस मास्क ऑन योर फेस। तो सबसे पहले आपको ये बॉक्स ओपन करना है और उसके बाद आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हो और ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। मैं फिंगर से यूज़ करती हूँ क्योंकि जनरली मैं अपना फेस वॉश करती हूँ उसके टाइम पे, मैं अपना हैंड भी वॉश कर लेती हूँ। सो फिंगर से मैं थोड़ी क्वांटिटी में ले लेती हूँ और उसके बाद मैं अपनी पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ। ये मास्क को अप्लाई करने के बाद आपको 10 to 15 minutes लगेगा इसको ड्राई होने में। जब ये सूख जाएगा उसके बाद आप वॉश कर सकते हो। वॉश करने के टाइम में स्लाइटली सर्कुलर मोशन पे ऐसे स्क्रब कर सकते हो और उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपका फेस बिल्कुल फ्रेश दिखता है, बहुत ही क्लीन लगता है। स्पेशली ये जो टी जोन है ना, इधर आप अगर थोड़ा सा ऐसा स्क्रब करेंगे तो आपका ये टी जोन और आपका जहाँ पे भी आपका एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रेशन होता है उस जगह पे आपका बहुत क्लीन महसूस होगा एंड इट फील्स रियली फ्रेश। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, जब आप ये फेस मास्क अप्लाई करते हो उसके बाद आपको बहुत ही एक कूलिंग सेंसेशन होता है जो गर्मी में हमें बहुत अच्छा लगता है, एक कूलिंग सेंसेशन वाला फील। नाउ लेट मी टेल यू किस किस के लिए ये मास्क अच्छा होगा। अगर आपके स्किन में बहुत सारा ऑयल सिक्रेशन होता है, ऑयली स्किन है, गो फॉर दिस वन। अगर आपका एक्ने, पिंपल, प्रॉन, सेंसिटिव स्किन है, यू कैन गो फॉर दिस वन। अगर आपका ड्राई स्किन है, या आप अप्लाई कर सकते हो इसको भी, लेकिन उसके बाद आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ेगा। नाउ लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस अबाउट दिस प्रोडक्ट। एक्चुअली पहले चारकोल क्योंकि डार्क कलर का होता है तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल रहती हूँ कि यार ये अप्लाई करने के बाद कैसा लगेगा मेरा फेस। लेकिन इसको अप्लाई करने के टाइम पे जब ये सूखता है ना, वो जो ठंडा वाला सेंस और वो कूल फीलिंग होता है वो बहुत अच्छा लगता है। और सूखने के बाद सबसे अच्छी बात ये है कि मेरा ड्राई स्किन है, फिर भी इसको रिमूव करने के बाद इतना स्ट्रेची और इतना ड्राई फीलिंग नहीं होता है। मतलब ये हमारे स्किन का जो ऑयल है वो पूरा निकाल के नहीं लेता है, बस एक्स्ट्रा ऑयल को ये सक करता है। और या एक्ने और पिंपल प्रोन के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर क्ले है एंड चारकोल एंड कॉफ़ी है और मेरा जो स्किन है बहुत ही एक्ने प्रोन स्किन है, सो इट इज़ वर्किंग विथ मी। लेट मी टेल यू कि इस प्रोडक्ट का कोई ड्रॉबैक है। एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे कोई ड्रॉबैक नहीं दिखा है।
आई ट्राई टू लुक इन टू द ड्रॉबैक. आपको पता है अगर मैं रिव्यू वीडियो करती हूँ तो उसमें से अच्छी बात और बुरी बात दोनों मैं इक्वली शेयर करती हूँ, लेकिन सच बोलूँ तो मुझे इसमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं लगा. नाउ द क्वेश्चन इज, आपको ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए, खरीदना चाहिए या नहीं? मैं कहूँगी कि या यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मैंने यूज़ किया है बहुत दिन से एंड आई काइंड ऑफ यूज़ इट एवरी 2 or 3 days. तो हफ्ते में 2 या 3 दिन मैं यूज़ कर लेती हूँ और स्पेशली इन दिस समर सीजन इट इज़ रियली वर्किंग गुड विथ मी. मेरे स्किन पे सेंसिटिव टू एक्ने प्रॉन स्किन है, मेरे स्किन पे कोई भी रैश नहीं हुआ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुआ. तो आई कैन टेल यू कैन यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. ये 599 rupees का है और इसमें जो इसके अंदर जितना क्वान्टिटी है आपको आराम से 6 months चल जाएगा. सो इट इज़ वर्थ द मनी यू आर पेइंग. तो अगर आप सोच रहे हो कि ये आप खरीदना चाहते हो तो हियर इज द कूपन कोड, दिस इज Krishna20. इसमें फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको इस प्रोडक्ट में. एंड या द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. और ये प्रोडक्ट आपको नायका, अमेजन और मामाअर्थ के वेबसाइट में भी मिल जाएगा. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. आई होप यू रियली लाइक माई जेन्युइन एंड ऑनेस्ट रिव्यू. और अगर आपको अच्छा लगा है तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है. एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय.